तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर, रेलवे भर्ती बोर्ड से रिलेटेड NTPC का जो शेड्यूल है CBT 2 के लिए, जो कि लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के लिए एग्ज़ाम होने हैं, उसके लिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस आ गया है हम RRB भोपाल बोर्ड की। यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर देखिए, आज ही के दिन में 27 तारीख को यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट आया है। आप इसको क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें एग्ज़ाम की डेट हैं। आइए देख लेते हैं इसको फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसमें आ गए हैं, ये नोटिस में नोटिफिकेशन देख ली। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि सेकंड स्टेज CBT फॉर लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 विल बी हेल्ड 12 जून से लेकर 17 जून तक, यानी 12 से 17 जून के बीच में यहाँ पर एग्जाम होना है, ये लिखा है पहली लाइन में। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि द CBT 2 एग्जाम RRBs भुवनेश्वर के लिए, बिलासपुर के लिए, चंडीगढ़ के लिए और गोरखपुर के लिए, ठीक है, और इसके अलावा मुंबई के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए ये जो, और रांची के लिए ये जो है, और सिकंदराबाद के लिए ये शेड्यूल हुआ है लेवल 5 12 तारीख को, 12 जून को, और लेवल 2 को 13 जून को होने वाला, ठीक है, 13 जून को। लेवल 3 का जो होगा वो 14 जून को होगा, ठीक है, पहले 5 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर लेवल 3 का होगा 14 जून को, ठीक। इस तरीके से 12, 13 और 14 तारीख को कौन कौन से बोर्ड का होने वाला है, ये होगा CBT 2 भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई और मुजफ्फरपुर और रांची में, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि CBT 2 जो होने वाला है अजमेर बोर्ड के लिए, भोपाल बोर्ड के लिए, गुवाहाटी बोर्ड के लिए, अजमेर, गुवाहाटी, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना और उसके अलावा बेंगलुरु, जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू श्रीनगर है, कोलकाता, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, अलाहाबाद, मालदा, तिरुवनंतपुरम, ये जो है इनका शेड्यूल हुआ है पांचवें लेवल के लिए 15 जून को, और दूसरे जो लेवल है उसके लिए 16 जून को, और तीसरे लेवल के लिए 17 जून को ये एग्ज़ाम CBT 2 का यहाँ पर निश्चित कर दिया गया है। आप सभी की जो डेट हैं वो आ चुकी हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर CBT 2 जो है वो लेवल आपका अलग अलग, यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑन डिफरेंट डेट विल बी हैव डिफरेंट ई कॉलेटर, यहाँ पर अलग अलग कॉलेटर दिए जाएंगे लेवल, हर एक अलग लेवल के लिए अलग अलग डेट में होंगे। कैंडिडेट मस्ट बी शेड्यूल्ड ऑफ ऑल हिज एग्ज़ाम इन सेम सिटी बट द एग्ज़ाम सेंटर में वेरी, ठीक है, सेम सेंटर सेम ही रहने वाला है, सेंटर अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि एक अगले वाले दिन में ही होगा, अगर एक एग्ज़ाम होने के बाद जस्ट अगले वाले दिन में एग्ज़ाम होना है तो सेम ही सिटी में होगा, और एग्ज़ाम सेंटर वेरी हो जाएगा। ईच कैंडिडेट जो है विल बी हैव कॉमन सिटी इंटीमेशन स्लिप रहेगी, हर एक के लिए अलग अलग जो है एडमिट कार्ड दिया जाएगा, ये पहले ही बोल दिया, ठीक है, और विल बी शेड्यूल अ सिंगल शिफ्ट फॉर द कैंडिडेट, यहाँ पर द एग्जाम फॉर द पर्टिकुलर लेवल विल हैव शेड्यूल इन अ सिंगल शिफ्ट फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग इन 1 RRB, एक RRB के लिए, जो भी एक RRB के आपने बोर्ड में अप्लाई किया है उसके लिए एक अलग ही एग्ज़ाम होना है, एक ही एग्ज़ाम होना है, ठीक है, उसके लिए दो एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, मतलब अलग अलग शिफ्ट्स में नहीं होंगे एक लेवल के लिए, ठीक है। द लिंक आपको जो अवेलेबल कर दी जाएगी 10 दिन पहले आपको लिंक दे दी जाएगी, ई कॉलेटर 4 दिन पहले यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर दिखा दी जाएगी, और डेट आपको इस हिसाब से जानकारी जो है ई कॉलेटर में मिल जाएगी आपको, ठीक है, डाउनलोडिंग करने के लिए। आधार कार्ड, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आपको क्या है अपना एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले आपको जो है उसका डॉक्यूमेंट, आपका जो आधार है वो लॉक वगैरह नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, और साथ ही साथ आपको ये जानकारी ऑफिशियल अपडेट हमारे द्वारा कैसी लगी ये जरूर बताएं, हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचे। आपके लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का एग्ज़ाम 12 जून से लेकर 17 जून तक जो है निश्चित कर दिया गया है, अलग अलग बोर्ड की अलग अलग डेट हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 12, 13, 14